भारतीय किसान संघ सिवनी मालवा के द्वारा किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन SDM अनिल जैन को सौंपा। 6 सूत्रीय ज्ञापन में प्रमुख मांग किसानों की उपज का भुगतान समय से नहीं हो पाना है। ज्ञापन में बताया कि किसानों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आधार कार्ड से फसल उपार्जन का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया था। किसानों को भुगतान प्राप्त करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व के वर्षों से बंद खातों में भुगतान जा रहा है, वहीं बहुत से किसानों के खाते आधार से लिंक नहीं होने के कारण उन्हें भुगतान नहीं हो पा रहा है। संबंधित उपार्जन केंद्र पर किसानों से बचत खाते लिए जाएं ताकि किसानों को भुगतान प्राप्त हो सके। किसानों ने बताया कि तवा बांध में पानी समाप्ति की ओर है, मात्र 10 दिवस का पानी ही शेष बचा है। चौथा पानी देने वाले किसानों पर सख्ती से रोक लगाई जाए और तीसरा पानी किसानों को सुलभता से उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अमला भी सिंचाई विभाग के साथ सहयोग करे, जिससे किसानों को अंतिम छोर तक पानी मिल सके। सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई हेतु 10 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान समय में मात्र 3 से 4 घंटे ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। चना उपार्जन केंद्रों पर मापदंड के आड़ में किसानों से सर्वेयर द्वारा भारी लूट की जा रही है। बेस्ट क्वालिटी का चना रिजेक्ट किया जा रहा है और बाद में सभी किसानों से खरीदी कर ली जाती है, लेकिन इसके एवज में किसानों को पैसे देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसमें सर्वेयर के साथ साथ सोसाइटी के द्वारा उपार्जन कार्य में लगाए गए वैकल्पिक कर्मचारियों द्वारा पैसा लिया जा रहा है, जिसकी गहन जांच कर तत्कालीन कार्यवाही की जावे। दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही भी की जावे। किसानों ने चेतावनी दी कि हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो किसान समाज को मजबूरन आंदोलन करना होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। भारतीय किसान संघ सिवनी मालवा ने 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें प्रमुख मांग है कि किसानों को आज 1 महीना हो चुका है फसल तुलाई को, लेकिन आज तक किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। उसमें जो किसान के खाते बंद है उन खातों में पैसा जा रहा है। KYC करवाने के बाद 1-1 हफ्ता हो गया, उसके बाद भी पैसा नहीं पहुँच पा रहा है। किसान बहुत परेशान है। दूसरा है कि नहर में फुल गेज से पानी नहीं चल पा रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है किसानों को। और जो सिवनी मालवा में लगभग 2000 क्यूसिक पानी चलना चाहिए था, जो हमारे जो हिस्से का है कम से कम 300 क्यूसिक पानी इटारसी में चल रहा है, वो पानी हमको दिया जाए तत्काल। दूसरी बात, किसानों को अभी कम से कम 10 घंटे बिजली, मुख्यमंत्री महोदय जी के आदेश अनुसार 10 घंटे किसानों को बिजली दी जाना चाहिए, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में 3 से 4 घंटे बिजली दी जा रही है और ये बहुत स्थिति खराब है और किसानों की मूंग सूख रही है। मात्र 10 रोज का समय बचा है। हम शासन प्रशासन से आशा लगाते हैं कि क्या तो हमारी व्यवस्था को 4 रोज के अंदर ठीक कर दे, और अगर भी 4 रोज के अंदर हमारी व्यवस्था ठीक नहीं होती तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करने को बाध्य रहेगा। आज भारतीय किसान संघ ने 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। उसमें मेन तो ये है कि 1 महीना हो गया अभी तक किसानों का गेहूं का चने का भुगतान नहीं हो पा रहा और किसान परेशान है, और आधार कार्ड से लिंक होने के कारण जो खाते 8-10 साल से बंद पड़े उनमें पैसा जा रहा। तो हमारी मांग ये है कि किसानों के बचत खाते में पैसे डाले जाएं और शीघ्र डाले जाएं। दूसरा जाए कि बिजली की व्यवस्था बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और 2 से 3 घंटे मुश्किल से किसानों को बिजली मिल रही सिंचाई पंपों के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है हर गांव में। अभी मेरे पास फोन आया था चौंतलाए से, माँ ये कंडीशन है कि 3 दिन से पीने का पानी नहीं मिल रहा है गाँव वालों को। लाइट मुश्किल से 0.5 घंटा 10 मिनट 20 मिनट आ रही, टंकी नहीं भरा पा रही, और नहर की समस्या भी, तेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच रहा। हमारा उद्देश्य है कि 3 पानी तेल क्षेत्र तक होना चाहिए। अगर इन सभी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो 4 दिन के बाद भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा और इसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी।